तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लाए हैं हैदराबादी चिकन टिक्का बिरयानी, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही सिंपल तरीके से। तो मेरी वीडियो लास्ट तक देखें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सना की मंदिर में आप सब लोगों का खैर मकदम है। जैसे कि आपने देखा, आज हम बनाने जा रहे हैं आपके साथ बहुत ही टेस्टी डिलीशियस रेसिपी, चिकन टिक्का, हैदराबादी चिकन टिक्का बिरयानी की रेसिपी, जो बहुत पसंद आएगी। और मेरा चैनल लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम चलते हैं अपने किचन, बनाते हैं अपनी रेसिपी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारे हैदराबादी चिकन टिक्का बिरयानी के इंग्रेडिएंट्स। तो सबसे पहले हमने लिए हैं आधा किलो चावल, जो 4-5 घंटे के लिए धोकर भिगोकर रख दिए थे। और हमने लिए हमारा 1.25 किलो चिकन, 750 ग्राम चिकन, और ये हमारे 250 ग्राम टमाटर, 250 ग्राम टमाटर, और ये तली हुई प्याज, एक अंडा, 5 से 6 हरी मिर्च, 2 नींबू, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी पाउडर, और ये धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, ये बिरयानी मसाला, और ये गरम मसाला पाउडर, ये 250 ग्राम दही, 4 से 5 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, और ये हरा धनिया, और ये कॉर्नफ्लोर, 1-1 चम्मच कॉर्नफ्लोर और मैदा। ये है हमारे ये खड़े मसाले, जीरा, 6 से 7 काली मिर्च, 4 से 5 तेज पत्ता, दालचीनी, जावित्री, दालचीनी की स्टिक, फूल और जावित्री, 4-5 से 6 सफेद इलायची, 3 लाल इलायची, और ये है 5 से 6 लौंग, 4 से 5 लौंग लिए। तो अब हम करेंगे अपना मैरिनेशन। तो चलिए चलते हम अपने मैरिनेशन की तरफ। तो अब हम करेंगे चिकन को मैरिनेट। सबसे पहले हम डालेंगे 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 चम्मच, 3 से 4 चम्मच दही डाल देंगे इसमें, अब हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और कश्मीरी पाउडर 1/2 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, जीरा पाउडर 1 चम्मच, काली मिर्च पाउडर 1 चम्मच, गरम मसाला 1/2 चम्मच से कम, क्योंकि हमने इसमें लाल मिर्च पाउडर डालना है, काली मिर्च पाउडर इसमें 1/2 चम्मच डाल दिया है। और अब हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लोर, 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर, 1 चम्मच मैदा, अब हम इसमें ऐड कर देंगे अंडा डाल देंगे, अंडा हमें 1 डालना, हमने 1/2 किलो में 1 अंडा डाला है, 1 से 1.5 किलो में 1 अंडा डलेगा, 1.5 किलो से ज़्यादा में 2 अंडे जाएंगे। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल देंगे, ये है नींबू, इसमें हम डाल देंगे 1/2 नींबू, इसमें 1/2 नींबू डाल देंगे, अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथों से, अच्छे से हाथ धो लें और उसे अच्छे से मिक्स कर लें। 1/2 चम्मच हमने नमक डाला, नमक आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं जितना आप खाते हैं। अब हम इसे 10 से 15 मिनट तक मैरिनेट पे लगा देंगे, थोड़ा सा डालेंगे इसमें फूड कलर, जिससे हमारे टिक्को का कलर बहुत ही अच्छा आएगा। ये हमने डाला है फूड कलर, ऑरेंज कलर बहुत अच्छा आएगा फूड कलर से टिक्को का। इसको लगा देंगे 10 से 15 मिनट तक मैरिनेशन पे, 15 मिनट तक। तो देखिए फ्रेंड्स, जितनी देर में हमारा चिकन मैरिनेट होगा, तो अब हम कर लेंगे अपने चावलों को बॉईल। हम डालेंगे 5 से 6 चम्मच नमक पानी में, चावल के पानी में,
क्योंकि हम इसमें ज़्यादा नमक डालेंगे ताकि चावल अच्छे से नमक को ले ले। और हम इसका पानी ड्रेन कर देंगे बॉईल करने के बाद। इसमें डालेंगे हम 2 तेज पत्ता, जीरा डाल देंगे, 2 लाल इलायची, 4 हरी मिर्च डाल देंगे, सफ़ेद इलायची डाल दी, दालचीनी, 1 फूल जावित्री, लौंग 3 से 4 लौंग डाल देंगे, काली मिर्च डाल देंगे जिससे हमारे चावलों में अच्छी खुशबू आएगी इन सब चीज़ों की। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे हरा धनिया। अब ये बॉईल होने उबलने के बाद हम इसमें डाल देंगे चावल। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे पानी में बॉईल आ चुका है। अब हम इसमें डालेंगे चावल। ये हम निकाल लेंगे, मुंह में आते हैं। आप चाहें तो इसमें रहने भी दे सकते हैं। ये हम बड़े बड़े मसाला निकाल लेंगे, इलायची, तेज पत्ता, हरी मिर्च, ये सब निकाल लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे चावल बॉईल होने। चावल बॉईल होने रख देंगे। हमें चावल ज़्यादा से ज़्यादा पकाना है, मतलब 80% तक चावल गला लेना है। 20% हमें दम पे पका लेना है चावल को, क्योंकि हमें चिकन भी गला लेना है, चावल भी गला लेना है। अब हमारे जितनी देर में चावल बॉईल होंगे, अब हम बनाएंगे अपना मसाला, तैयार करेंगे बिरयानी के लिए। फ्रेंड, हमारे चावल बॉईल हो रहे हैं। हम इसमें डाल देंगे, ऐड कर देंगे 1/2 नींबू निचोड़ देंगे, जिससे हमारे चावल बहुत ही खिले खिले बनेंगे। और 1 चम्मच डाल देंगे रिफाइंड ऑयल। 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल देंगे इसमें, इससे हमारे चावल बहुत अच्छे बॉईल होंगे, खिले खिले। तो देखिए फ्रेंड, हमारे चावल बॉईल हो चुके हैं। अब हम इसको निकाल लेंगे, इसका पानी कर देंगे ड्रेन और इसे छलनी में छान लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे चावल बॉईल हो चुके हैं। हमने इसे छलनी में छान लिया है, पानी ड्रेन कर दिया, बहुत ही खिले खिले चावल बने हैं हमारे। तो फ्रेंड्स, अब हम करेंगे अपने बिरयानी का मसाला रेडी। हमने ऑयल डाल दिया है पतीली में, तो बिरयानी के लिए ऑयल ज़्यादा लगता है, इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा डाला है। तो अब हम इसमें डालेंगे 1 फूल, दालचीनी, जायफल, जीरा, 5 से 6 काली मिर्ची, 2-3 लौंग, 4 सफ़ेद इलायची, 2 लाल इलायची, जायफल और 2 तेजपात पत्ता। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी फ्राई प्याज डाल देंगे हम इसमें। हम लहसुन अदरक डाल देंगे 2 चम्मच। अदरक डालने के बाद हम डाल देंगे अपने टमाटर। हमने 250 ग्राम टमाटर लिए थे, ये डाल देंगे, स्लाइस में कट कर लिए। अब हम नमक डाल देंगे, नमक आप अपने हिसाब से डालें। 1 चम्मच नमक मैंने ऐड कर दिया है, इससे ये अच्छे से पक जाएंगे टमाटर। अब हम इसको अच्छे से कुक करने रख देंगे। तो देखिए फ्रेंड, हमारे मसाले भुन चुके हैं। हमें सूखे मसाले, हल्दी, मिर्च,
जीरा पाउडर, काली मिर्च, जीरा पिसा हुआ डाला था, सब चीज़ भून चुकी। अब हम इसमें ऐड कर देंगे अपना दही जो हमने 250 ग्राम लिया था, और हमने 4 चम्मच टिक्के के लिए डाल दिया। इसे थोड़ा दही से इससे इसका फ्लेवर बहुत इन्हेंस होगा। अब हम डालेंगे हमने प्याज, आधा किलो प्याज ली थी। फ्रेंड बिरयानी में बहुत अच्छी प्याज डाली जाती है ज़्यादा, जिससे बिरयानी का टेस्ट बहुत बढ़ चढ़ के आता है, बहुत अच्छा आता है, इसलिए प्याज ज़्यादा डालनी चाहिए बिरयानी में। तो ये इस तरीके से हम मसल लेंगे, जो हमने प्याज फ्राई की थी मसल के इसमें डाल देंगे। और आधी हमने प्याज रोक ली है ऊपर से डालने के लिए, करके इसको थोड़ा भून लेंगे। फ्रेंड्स हमने आधा किलो चावल, एक किलो चावल लेंगे तो एक किलो ही प्याज लेंगे, और आधा किलो चिकन लिया है तो हमने आधा किलो ही प्याज लिए, और दो टमाटर 250 ग्राम, एक किलो में, एक से डेढ़ किलो में आधा किलो टमाटर लगेंगे, और आधा किलो दही, एक से डेढ़ किलो में और आधा किलो में 250 ग्राम दही और टमाटर लगता है। मसाले आप अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। तो इसको अच्छे से भून लेंगे। तो फ्रेंड्स हमारा बिरयानी का मसाला रेडी हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे एक पूरा नींबू, एक पूरा नींबू इसमें निचोड़ देंगे, और इसमें हरा धनिया पुदीना डाल देंगे, इससे हमारा फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा बिरयानी का। ढेर सारा हरा धनिया पुदीना, थोड़ी सी मिर्च डाल देंगे इसमें, इसमें थोड़ा सा पानी डाल के थोड़ा पका लेंगे। तो अब हमारे 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम करेंगे अपना टिक्का फ्राई, जो हमने मैरिनेशन पे लगाए थे अपने चिकन टिक्के, अब करेंगे हम उसे फ्राई। तो देखिए फ्रेंड हमारा चिकन मैरिनेट हो चुका है, 20 से 25 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसको करेंगे फ्राई। हमने पैन में ऑयल गरम कर लिया है, अब हम अपने टिक्कों को करेंगे फ्राई। अब हम इस तरीके से टिक्के को डालेंगे ऑयल में, इस तरीके से देर तक पकाएंगे ताकि हमारे टिक्के अच्छे से गल सकें अंदर तक। हमें इन्हें 80% तक पकाना है और बाकी के 20% डंपर हो जाएंगे। ये बिरयानी बहुत टेस्टी बनके तैयार होगी। पाँच मिनट तक हमें ऐसी रख देना है, बाद में हम 5 मिनट के बाद इसे पलटी करेंगे। तो देखिए फ्रेंड अब हम टिक्को को पलट लेंगे। तो देखिए हमारा कितना अच्छा कलर आ रहा है ये टिक्को का, बहुत ही ज़बरदस्त कलर आ रहा है टिक्को का। सभी इसी तरीके से सब पलट लेंगे हम। ये देखिए कितना प्यारा ब्राउन कलर आया है और अच्छे से गल भी गए हैं, अंदर तक टिक गए हैं। इसी तरीके से हम अपने सारे ही टिक्के फ्राई कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड हमारे टिक्के सारे फ्राई हो चुके हैं, अब हम इसको निकाल लेंगे। हमारे टिक्के बहुत अंदर तक अच्छे से गले हैं, अब इसी तरीके से हम अपने सारे टिक्के फ्राई कर लेंगे। तो देखिए हमारे कितने बढ़िया टिक्के तैयार हुए। तो देखिए फ्रेंड हमने अपने सारे टिक्के फ्राई कर लिए हैं, अब हम इसको डालेंगे ग्रेवी में, डाल के पका लेंगे। डाल देंगे हरा धनिया पाउडर थोड़ा सा, अब ये हमारा तैयार है।
हम लगाएंगे दम को। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम लगाएंगे अपनी बिरयानी दम पर। तो इसके लिए हमने एक पतीली ले ली, इसके अंदर ऑयल डाल दिया है जिसमें हमने टिक्के अपने फ्राई किए, तो वही ऑयल ले लिया है। और ये हमारा मसाला तैयार है, हमने टिक्के इसमें डाल के रख दिए हैं। अब हम इसमें डालेंगे चावल की लेयर लगाएंगे, तो दो सब तरफ हम अपने चावल फैला लेंगे इस तरीके से। फ्रेंड्स, इसमें हम 80% तक पकाते हैं दम बिरयानी, चिकन मसाला बिरयानी में हम आधा कच्चा रखते हैं आधा पक्का रखते हैं, लेकिन हम इसमें आधे से ज़्यादा पका लेते हैं। इसे 10 से 15 मिनट तक ही हम इसको दम पे रखेंगे, उसमें 30 से 40 मिनट तक दम पे डाले जाते हैं दम बिरयानी में, मसाला बिरयानी में। अब हम डालेंगे इसमें मसाले के लिए, ये हमने लगा दिया है अपने फैला दिए। अब हम बराबर से चिकन और मसाले की लेयर लगाएंगे सब तरफ। सब जगह फैला देंगे लेयर अपनी। सब में मसाला फैला देंगे। अब हम इसमें डालेंगे, ये हमने फ्राई की प्याज रखी थी ये इसके ऊपर डाल देंगे इस तरीके से, सब जगह फैला देंगे। और हरा धनिया पुदीना डाल देंगे इस तरीके से। फिर से एक लेयर लगा देंगे, फिर से इस तरीके से लेयर लगा देंगे इस तरीके से। तो ये लेयर वाली बिरयानी बहुत ही टेस्टी बनती है। अब ये सब चावल हम इसमें लगा देंगे, नीचे मसाला, नीचे चावल, फिर मसाला, फिर मसाले के ऊपर चावल, इस तरीके से हम लगाते जाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे मसाला, फैला देंगे इस तरीके से। अब हम इस पे फ्राई की हुई प्याज डाल देंगे पूरे में, और हरा धनिया डाल देंगे। और ये हमने फूड कलर रखा था, थोड़ा सा किनारे पे लगा देंगे, क्योंकि हमारे टिक्कों में भी फूड कलर है। इस तरीके से किनारे पे लगा देंगे कि अंदर तक चावल में चला जाए फूड कलर। अब हम देसी घी डाल देंगे इसी तरीके से अपना चारों तरफ, इससे बहुत अच्छा बिरयानी का फ्लेवर आएगा। इस तरीके से हमने देसी घी डाल दिया है, तो अब हम इसे लगा देंगे दम पर। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हमने गैस का फ्लेम ऑन कर दिया है, अब हम इसको लगा देंगे 10 से 15 मिनट तक दम पर। हमने चावल और चिकन को गला लिया है ज़्यादा से ज़्यादा, इसलिए हमें बारीक सी जो कनी रह गई वो दम पर पूरी हो जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, 15 मिनट हो चुके हैं, हमारी बिरयानी दम पे आ चुकी है। तो देखिए कितनी खिली खिली हैदराबादी चिकन टिक्का बिरयानी बनकर रेडी हुई है, बहुत ही टेस्टी, जो खाएगा उंगली चाटते आ जाएगा। चलिए अब हम इसको करेंगे डिश आउट, आप भी इसी तरीके से बनाएं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी बहुत ही टेस्टी हैदराबादी चिकन टिक्का बिरयानी बनके तैयार है, तो आप भी इसी तरीके से बनाएं और मेरा चैनल लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।